लॉकडाउन 2.0 के लिए सरकार की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। हवाई और रेल सेवाओं पर रोक जारी रहेगी, यानी अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं तो इस अफवाह पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हवाई सेवा, रेल सेवा या सड़क यातायात सब अभी भी रुका रहेगा। सभी तरह के परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि मेट्रो और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी बसें भी बंद रहेंगी, यानी कोई आपको अगर गुमराह करने की कोशिश करता है तो उस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। SEZ के अंदर काम जारी रहेगा। जरूरत की कुछ चीज़ों पर अभी ढील देने की बात कही गई है। सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, साथ ही साथ कुछ जगहों पर शिक्षण संस्थाओं के पैसे लेने पर यानी फीस लेने पर भी फिलहाल रोक लगाई गई है। कोयला के खदानों में काम शुरू होगा, क्योंकि ये जरूरत की चीज़ों में इसे शुमार किया गया है। पहले ही इसके संकेत दिए गए थे कि 15 जो ऐसे उद्योग हैं या क्षेत्र हैं जिसमें छूट मिल सकती है। जो बड़ी बातें हैं उस पर भी एक नजर डाल लीजिए। जो दूसरी बड़ी बात है, SEZ के अंदर काम जारी रहेगा, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके अलावा लॉकडाउन 2.0 में और क्या कुछ होने वाला है? सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, जो कि पहले भी बंद थी, अभी भी बंद रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कोयला के खदानों में काम शुरू होगा, जहां लॉकडाउन 2.0 के पहले लॉकडाउन जो हुआ था उसमें इसमें भी छूट नहीं मिली थी, लेकिन अब ज़रूरत के चीज़ों में इसे शुमार किया गया है। हॉटस्पॉट जो है वहाँ पर सख्ती और बरती जाएगी। IT, चाय, डेयरी और कॉफ़ी सेंटर में काम शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा गांव में सड़क निर्माण का काम शुरू होगा। जिस गति से सड़क निर्माण का काम चल रहा था हिंदुस्तान में, उसमें खलल ना पड़े इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है। खेती से जुड़े काम पर कोई रोक नहीं होगी, क्योंकि फसल कटने का टाइम है, खासतौर से आम अब बाजारों में पहुंचने का वक्त हो चुका है, तो उसमें कोई रोक नहीं होगी। दफ्तर और सार्वजनिक जगहों पर एहतियात बरतनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माने का प्रावधान होगा। तो ये हिदायत है लॉकडाउन 2.0 को लेकर, जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है।